नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई, उसमें 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे, 7 यूपी से और 4 गुजरात से। 5 साल पहले कांग्रेस की पहली ही सूची में अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया था। 5 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अब तक 12 लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। यही हाल बीजेपी का है। तो क्या अमेठी और रायबरेली में दोनों पार्टियां कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली हैं? आइए सियासी नुक्ता विद मुक्ता में करते हैं इसी की पड़ताल। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से पर्चा भरा तो खूब भीड़ उमड़ी। नामांकन से पहले बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी ने वायनाड में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें राहुल के पोस्टर बैनर लिए हजारों लोग उनके साथ थे। राहुल केरल के वायनाड से पिछले चुनाव में 4,34,000 वोटों से जीते थे। राहुल को पहली बार 2019 में केरल के वायनाड से चुनाव लड़ाया गया था, तब से अक्सर वहां के लोगों के बीच दिख जाते हैं। केरल के वायनाड को तो 2019 से राहुल गांधी मिल गए, लेकिन यूपी के अमेठी का क्या, जो 2019 में उनसे दूर हो गए? 2019 की एक हार से क्या राहुल गांधी अमेठी से किनारा कर लेंगे? अभी तक कांग्रेस की 12 लिस्ट में अमेठी से उम्मीदवार न घोषित होने को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी चल रही है। ये वो अमेठी है जो कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। अमेठी लोकसभा सीट पर गांधी परिवार शुरू से ही हावी रहा है। 1967 से लेकर अब तक यहाँ सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव न जीता हो। 1977 की जनता लहर में भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के संजय गांधी को शिकस्त दी थी। इसके बाद 1998 के आम चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को हराया था, जबकि 2019 में मोदी लहर में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हैं। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। यानी राहुल गांधी इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर सीरियस हैं। तो क्या ये तय माना जाए कि वो अमेठी से भी चुनाव मैदान में उतरेंगे? अमेठी और रायबरेली से राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में होंगे या नहीं, इस पर चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन ना तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से हाँ का जवाब आया है और ना ही इसको इनकार किया गया है। देखिए, ऐसा है, हमारे जो तैयारी है वो ज़मीन पे हमारे लोग काम कर रहे हैं लगातार। बूथ का स्ट्रक्चर काम करना, हमारे ब्लॉक में मंडल पे सब हमारे काम चल रहे हैं, और हमारे हर जगह हम BLA हमारे लगभग हो चुके हैं, कुछ जगह बाकी, वो भी सब काम कर रहे हैं। इनकी तरह के दिखावा नहीं है। काम करने का अवसर था तो काम किया नहीं। 10 साल काम क्या किया वो बताओ ना, धुआंधार प्रचार से थोड़ी काम क्या किया आपने? हमको 10 साल जनता ने समय दिया तो हमने काम क्या किया, हम ये बताएंगे ना? केवल झूठी बात, बड़ी बड़ी बात, बहनों भाइयों मित्रों झूठ बोलो खाली। अब वो अभी सारे लोग, इनके लोग यही बोल रहे हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो चाहे, यही बात बोल रहे हैं। आपने 10 साल में कितने रोजगार काम किए? वही रोजगार की बात ही मैं कह रहा हूँ। कितने लोगों को नौकरी दिया आपने? कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली को लेकर चुप्पी का एक कारण ये भी है कि दोनों लोकसभा सीटों पर वोटिंग में अभी समय है। अमेठी और रायबरेली में 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग होनी है और इसके नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, इसलिए कांग्रेस वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने अभी 5वें चरण की 2 सीटों अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जबकि आखिरी चरण तक के ज्यादातर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। इनमें वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया और बांसगांव जैसी सीटें हैं जहाँ अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। अमेठी रायबरेली के अलावा कांग्रेस ने अभी प्रयागराज, फूलपुर और मथुरा सीट से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार न घोषित होने को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग राय है। एक धड़ा मानता है कि इस पर कोई अनिश्चितता या भ्रम नहीं है कि राहुल प्रियंका को यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि देश की सत्ता पर तब तक पकड़ अधूरी जब तक यूपी मजबूत नहीं होता है। कई कांग्रेस नेता कह रहे हैं इसका कोई कारण नहीं दिखता है कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से नहीं लड़ेगा। दरअसल कांग्रेस की एक रणनीति ये भी हो सकती है कि प्रियंका और राहुल की उम्मीदवारी का ऐलान आखिरी वक्त में किया जाए। अभी तो राहुल केरल के संसदीय क्षेत्र वायनाड पर फोकस कर रहे हैं,
जहां से वो बीजेपी और संघ परिवार के खिलाफ हमलावर हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में। राहुल गांधी को 2019 में हराने के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूरे जोश में हैं। वो राहुल को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए ललकार रही हैं। राहुल ने बुधवार को वायनाड से पर्चा भरा तो गुरुवार को वायनाड से बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन मैदान में उतरे। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन के नामांकन में स्मृति ईरानी भी पहुंच गईं। स्मृति ने कहा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस का सफाया करना है। उन्होंने वायनाड जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। अमेठी की ही तरह का हाल रायबरेली का है, जहां से 2019 में सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। 2019 में कांग्रेस यूपी में सिर्फ यही एक सीट जीत पाई थी। अब सोनिया गांधी राज्यसभा में जा चुकी हैं, तो इस सीट पर उनकी बेटी प्रियंका को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस की स्थानीय और राज्य इकाई दबाव बना रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान खामोश है। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव यूपी कांग्रेस कमेटी की तरफ से आलाकमान को भेजा जा चुका है, लेकिन पार्टी ने अभी तक इस पर मुहर नहीं लगाई है। प्रियंका रायबरेली से चुनाव में उतरेंगी, इसका एक संकेत तभी मिला था जब सोनिया गांधी ने रायबरेली वालों के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि रायबरेली में आप लोग मेरे परिवार को संभाल लेना। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है, तो यही हाल बीजेपी का भी है। दोनों पार्टियां शायद पहले आप की सियासी तहजीब पर काम कर रही हैं। रायबरेली में दोनों तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा न होना राजनीतिक गलियारे में पहेली बनी हुई है। अमेठी से तो बीजेपी ने लगातार तीसरी बार मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, और वो अमेठी में डेरा डालकर कांग्रेस को खुली चुनौती दे रही हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी राहुल गांधी ने अमेठी का रण नहीं छोड़ा है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वायनाड में मतदान होगा, उसके बाद असली चुनाव शुरू होगा। सूत्र बता रहे हैं कि 26 मार्च के बाद राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा की जा सकती है। अमेठी में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार इसकी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अमेठी में घर घर जा रहे हैं, यूथ सम्मेलन हो रहे हैं, युवाओं में जोश भरा जा रहा है। अब दूसरा चरण यानी 26 अप्रैल भी दूर नहीं है। अगर वायनाड में 26 अप्रैल की वोटिंग के बाद कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान करती है तो चुनाव में निश्चित तौर पर गर्मी आ जाएगी। वैसे भी पिछले चुनाव में ऐसे कई सरप्राइज देखने को मिलते रहे हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रयागराज में पर्चा भरने के आखिरी दिन आखिरी घंटे में अमिताभ बच्चन के नाम का ऐलान किया था, और अमिताभ ने दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा को शिकस्त भी दी थी। तो मई की गर्मी में बड़े सियासी घमासान के लिए तैयार रहिए। इस बारे में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।